So, कैसे हो सब लोग? सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। नाउ दिस वीडियो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल थंबनेल रीड कर लिया होगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। इसमें ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो कि मैंने भी खुद कभी ना सोची नहीं थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। एंड ये मतलब रुको, ये जो वीडियो होने वाली है वो है लाइक आर यू गाइज रेडी? बिकॉज मैं तो भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना तो बताते बताते। नाउ लेट मी टेल यू। सो दिस इज़ द गाउन। ये जो गाउन है ना ये मीशो से मेरी दादी ने खुद के लिए मंगवाया है, ठीक है। जैसे रात को सोने के हिसाब से पहन के सोते हैं ना, तो वैसे दादी ने मंगाया था मीशो से। और इसमें मैं क्या करने की सोच रही हूँ वो है कि अपन इसको ना बेसिकली स्टाइल करने वाले हैं। आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है, बट अब सोच ही लिया है तो करते हैं। कुछ डिफरेंट वीडियो होने वाली है ये, लाइक वे टू डिफरेंट। और पता है इसका साइज़ भी जो है वो है डबल एक्सल, तो मेरा तो कोई चांस नहीं है कि ये साइज़ मेरे को आए। मेरे स्मॉल आता है और ये डबल एक्सल है, तो तुम समझ जाओ क्या ही होने वाला है। बट आई थॉट कि देखो मैंने इयरिंग्स में सब कुछ मैंने रख रखे हैं साइड में, तो अपन ट्राई करते हैं। लेट्स सी कुछ होता है क्या। आई एम सो मच एक्साइटेड। द सेम टाइम थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है। तो ये देखो ये काउन ऐसा मैंने पहन लिया और मुझे भाई ऐसी शर्म सी और ऐसा अजीब सा लग रहा था। ये बिकॉज अच्छा ही नहीं लग रहा था, बट अपन ये गाउन पहन लिया है, ठीक है। पर डोंट वरी, अपन इसको कुछ अच्छा सा स्टाइल करने वाला है। तो मैं यहाँ पे भी मैंने मेकअप भी कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है। तो विल डू थोड़ा सा थोड़ी शक्ल थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रही हूँ वही चीख आने वाली है, रुक जा। ओह गॉड ब्लेस मी। मेकअप से पहले जो अपन मैं आपको बता देती हूँ, ये स्कर्ट अपन स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये स्कर्ट आई नो ये इतना लंबा है ना, ये मतलब मेरे पैरों से बहुत नीचे तक लंबा है ये। भाई मेरे तो उलझ के गिर जाऊँ ऐसे लगने वाली फीलिंग आ रही थी कि उलझ के ना गिर जाऊँ मैं। तो ये स्कर्ट मैं इसके नीचे पहन रही हूँ, ठीक है। अब अपन इसको कैसे टक इन करते हैं विल फिगर दैट आउट, ठीक है, जस्ट डोंट वरी। तो अभी तो ये ऐसा फील हो रहा है, ये देखो नीचे से निकल गया बट कुछ तो करेंगे, ठीक है। जस्ट डोंट वरी, बिल्कुल मेकर आउटफिट एकदम प्यारा सा आउटफिट क्रिएट करने वाला है। अपन सबसे पहले मेकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी शक्ल थोड़ी सी सुधार लेते हैं, थोड़ी सी सही कर लेते हैं। वैसे तो सुधरी भी है पर थोड़ी सी कर लेते हैं। तो मैं बस ये प्राइमर लगा रही हूँ इन साइड्स का। एंड ये पता है एकदम हार्ट शेप में, पता है ऑटोमेटिकली आ गया था। आपको दिख नहीं रहा होगा बट हाँ पूरा ऐसा हार्ट शेप में आ गया था। तो सबसे पहले तो मैंने प्राइमर लगा लिया। भाई बेसिक से मैं मेकअप करने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्राइमर लगा लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर में रुक गई थी। उसके बाद कुछ प्राइमर के बाद थोड़ा वेट कर लो 1 मिनट तक, थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ लॉरियल पैरिस का। एंड बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी मैं, केवल चीक्स पे लगाऊंगी। ये देखो केवल इस चीक पे लगाया और इस चीक पे लगाया, दैट्स इट, ठीक है। और इसी को ही मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर में यूज़ नहीं कर रही हूँ, केवल मैं मेरे फिंगर से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज डू दिस, मैं हमेशा मेरे फिंगर से ब्लेंड करती हूँ एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड। तो बस इससे मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इसी को ही पता है मैं क्या करती हूँ यूजुअली, मैं जब भी कंसीलर लगाती हूँ तो उसी को ही मैं ना लाइक ऐसे अगर मुझे करना होता है तो मैं ऐसे आईज एंड ऑल पे लगा लेती हूँ, मतलब साइड में जब मुझे करना होता है तो इसी को ही स्प्रेड कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो यही इतना से लगाती हूँ मैं यूजुअली। तो ये अपन ऐसे पूरे चीक्स पे अच्छे से ब्लेंड करना, क्योंकि ब्लेंडिंग में ही टाइम लगता है। इसी में ये कि जितना अच्छे से ब्लेंड हो उतना ज़्यादा बेटर होता है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है मेकअप लुक। तो या वो कुछ ऐसे। और इसका पता है लॉरियल कंसीलर, जो लॉरियल कंसीलर, हाँ मतलब ये जो लॉरियल पैरिस का जो कंसीलर है ना, सच में जस्ट वे टू मतलब बहुत ईजी टू ब्लेंड है, बहुत ही प्यारा कंसीलर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो देखो अपन ने पूरा बेस तो डन कर लिया, कंसीलर मैंने लगा लिया। अपन क्या करने वाला है, ये हिलारी रॉड का मैं पैलेट लेने वाली हूँ। और इसमें से क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये रेडिश सा हल्का सा शेड आ रहा है, तो मैं ये ग्लिटर वाला ना हल्का सा ये पिंकिश हल्का सा है, मतलब बेसिकली इस आउटफिट से थोड़ा मैच ही कर रहा है। तो मैं बहुत थोड़ा सा ये ग्लिटर वाला ना मैंने बस ये लगा लिया। ये भी मैं कोई भी ब्रश यूज़ नहीं करती, मैं केवल अपने फिंगर से ही लगा रही हूँ अपने हैंड्स की हेल्प से। एंड ये देखा मैंने बस इतना सा ये लगाया है, ठीक है। अपन कोई आईलाइनर एंड और कुछ नहीं लगाने वाला है। ये मेरी आईज डन हो चुकी है, दैट्स इट, ठीक है। और अब अपन लगाने वाले हैं जो कि है लिपस्टिक। एंड ये लिपस्टिक मैंने अगेन बहुत टाइम पहले ली थी यार, ये हिलारी रोडा की लिपस्टिक है शायद, हाँ। तो ये लगाती हूँ मैं, ये लगा रही हूँ, बहुत थोड़ी सी लगाई है मैंने, न्यूड लिपस्टिक है ये। एंड अपना मेकअप तो डन हो चुका है, बस यही अपन करने वाले हैं, बहुत ही कम प्यारा सा। और अब अपन क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली थोड़ी बाल की तो हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि थोड़ा सा तो ढंग से लुक बन जाए। तो अब बस अपने शक्ल कर लिया, अपन हेयर स्टाइल बनाते हैं। एंड से अब हेयर स्टाइल से पहले काम करते हैं, ईयरिंग्स पहन लेते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना यार गोल्डन वाली ईयरिंग भी अच्छी लगेगी। एट द सेम टाइम ये मैंने 99 वाले स्टोर से ली थी, ये पूरा सेट था 99 का। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं कौन सी ईयरिंग पहनूँ, लाइक गोल्डन पहनूँ या वाइट पहनूँ, मैं इसमें कंफ्यूज थी। बट मुझे ऐसा ज़्यादा भी हाईलाइट नहीं करना था, तो पहले मेरे दिमाग में गोल्डन था बट फिर मैंने पता नहीं क्या वाइट पहन लिया। मुझे था वाइट पहन लेती हूँ और ये देखो मैं पहन रही थी कि ये तब पता ही नहीं था, उस टाइम चश्मा लगा, मतलब पता नहीं कहाँ गिरबूर गया, देखने लग गई मैं पर नीचे था। बट खैर वो मिल गया, वो बात अलग है। सो अब आप देखना लोग टना कैसा लग रहा है आप लोगों को ये लोग। नाउ लेट मी टेल यू, ये देखो यार कोई कह सकता है कि ये अपन ने गाउन है ये, और इसकी रात को जो सोते हैं अपन ये वो गाउन है और उसको अपन ने स्टाइल किया है, बेसिकली उसको एज अ टॉप वेयर कर रखा है। लाइक इस कुछ कोई बोल भी सकता है ये, लाइक मेरे को तो अब तुम बोलोगे ना कि वो मैंने कहाँ पर इसको कैसे टक इन कर लिया, क्योंकि वो ये बहुत लॉन्ग था। ये नीचे ना मैंने क्या किया, इसको फोल्ड कर लिया और इसको जहाँ मैंने फोल्ड किया है वो है एकदम ये ऊपर की तरफ, ये दिख रहा है, ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया तो ऐसे ही दिख भी नहीं रहा है और एट द सेम टाइम काफ़ी ऐसा है कि नीचे भी नहीं आएगा। तो अपन को किसी को नहीं बताना है कि अपन ने क्या किया है ना। बट इट जस्ट वे टू, मतलब मेरे को खुद को पता है, एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना अच्छा आउटफिट टर्न आउट होएगा। मतलब मैं पता है मम्मी के पास गई, पहले मम्मी मुझे गाउन में देख के ऐसे बोली कि ये क्या कर रही है, गाउन पहन के कहाँ जा रही है, क्या घूम रही है ऐसे, है ना। और फिर जब मैंने ये वाला आउटफिट स्टाइल किया तो मम्मी खुद ऐसी थी कि ये लग तो नहीं रहा अब गाउन। सच्ची में भाई बहुत प्यारा लुक लग रहा है, लाइक ट्रस्ट भी अगर ये मेरे साइज़ का भी होता है, रियली फील लाइक कि यार दो ये XXL है तो हल्का सा ढीला लग रहा है, हल्का सा नहीं काफ़ी ढीला लग रहा है, बट वो मैंने ऐसे स्कर्ट से टक इन कर लिया तो इतना शो नहीं हो रहा। बट वही एट द सेम टाइम अगर ये मेरे साइज़ का होता तो आई थिंक यार एकदम परफेक्टली आ जाता, कि बिल्कुल पता नहीं लगता कि मेरे ढीला भी है या नहीं। एवरीथिंग ये जो ऊपर हल्का सा ढीला लग रहा है ना वो भी नहीं होता। एंड एक और चीज़, अरे यार ये रह तो यही रह गई, एक्चुअली मुझे आपको एक और चीज़ दिखा रही थी, दैट इज़ दी पर्स। ये पर्स भी मैं लेके आई थी, मैं भूल ही गई कि पर्स भी मुझे आपको बताना था। बट ना ये भी बहुत ऐसे पतला पतला सा लग रहा है बिकॉज इसमें कुछ है नहीं। तो अब अपन ने जिससे मेकअप किया था ना मैं वही सारी चीज़ें रख रही हूँ, जैसे कि प्राइमर, कंसीलर, है ना, वो आई शेडो पैलेट, जिससे कि थोड़ा सा भरा भरा, थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ा सा मोटा मोटा तो सा लगे यार, पर्स की लगे तो सारी कुछ है ना, उससे भी एक अच्छी डेफिनेशन आती है। तो बस अपन ने अब रख लिया तो अब जाके थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा, नहीं तो पहले तो बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं और सच में कुछ था ही नहीं। तो अब देखो पर्स के साथ, अब वैसे तो उस पर मैंने नीचे स्कर्ट, अब आप लोगों को पता है कि इसके नहीं ये गाउन है, ठीक है, बट बाकी लोगों को नहीं पता है तो उनको बताना भी नहीं है। तो इसके साथ उसके बाद ये पर्स भी ऐड किया है तो और अच्छी प्यारी लग रही है। एंड डेफिनेटली अपन मेकअप भी कर रखा है पूरा, मतलब पूरा प्रॉपर रेडी हूँ मैं तो भाई, कि कहीं मुझे ले चलो। इट्स लाइक हाँ यार प्यार लग रहा है, कौन कह सकता है कि इज दिस अ गाउन। सो डू टाइप आपको कैसा लगा, ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स। आपको कैसे लगा, ये लोग सच में कुछ डिफरेंट ट्राई किया है यार, मुझे भी खुद को इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बस ये था कि कुछ तो स्टाइल करते हैं। एंड या लाइक आई एम टोटली लविंग दिस लुक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, एंड बाकी सच में ये स्टाइलिंग कैसी लगी। लाइक ये कोई, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि गाउन को ऐसे क्या कुछ कर भी सकता है। बट या मेरे को ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। रियली वांट योर, ऐसा कि आप मुझे आइडियाज़ दो या फिर आप मुझे बताओ आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, सो आई कैन मेक। एंड या गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।